जबलपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। विदाई के वक्त माँ ने सरिता को एक सिलाई मशीन दी थी। वह सिलाई मशीन आज तक काम आ रही थी। सरिता उसी सिलाई मशीन की मदद से सिलाई का काम करती थी। पति के जाने के बाद इसी सिलाई मशीन के सहारे सरिता अपना घर चला रही थी। सरिता, कब तक ब्लाउज सिलकर दे दोगी? इस बार थोड़ा जल्दी चाहिए, शादी में जाना है। जी दीदी जी, आप चिंता ना करें, आपका काम ही सबसे पहले कर रही हूँ। सरिता बहुत मेहनती थी। वह सुबह से शाम तक सिलाई के काम में ही लगी रहती थी और कभी कभी बहुत ज्यादा काम होता था तो वह रात के वक्त भी लालटेन जलाकर सिलाई का काम करती थी। सरिता का एक बेटा था, अनमोल। अनमोल बहुत बड़ा हो गया था। घर चलाने में माँ का हाथ बटाने की जगह वह केवल घर में सोया रहता था। दिन भर वह सोता था, शाम के वक्त दोस्तों के साथ गांव का चक्कर लगाता था, फिर घर आकर भोजन करता था और वापस से सो जाया करता था। सरिता अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है, अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा? देख तो जरा, तेरी माँ कितना काम करती है, तू भी कुछ काम क्यों नहीं खोजता है? माँ, आप तो हो ना, फिर मुझे किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत? और हाँ, ये काम का नाम सुनकर ही मुझे पसीना आने लगता है। मैं कोई काम क्या करूँगा? मुझे माफ कर दो माँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देख तो जरा, तेरे उम्र के सभी बच्चे काम में लगे हुए हैं और तू दिन भर सोया रहता है। अनमोल माँ की बात नहीं सुनता था, उसे जो मन में आता था वह वही करता था। इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर ये समझता ही नहीं है। अनमोल के दोस्त कुणाल की शादी होने वाली थी। वह अपनी शादी का कार्ड लेकर अनमोल के घर आता है। ये ले भाई, मेरी शादी का कार्ड। सुन, तुझे आना ही है मेरी शादी में, और हाँ, आंटी जी को भी लेकर जरूर आना। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, तेरी शादी होगी और मैं नहीं आऊँगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैं जरूर आऊँगा और माँ को भी लेकर आऊँगा। हाँ भाई, शादी तो एक बार ही होती है, इसलिए तो चाहता हूँ जिनको जिनको जानता हूँ सभी को बुला लूँ। और बता, भाभी जी कहाँ मिली? अरे क्या बताऊँ यार, वो तो मुझे पसंद थी, हम लंबे समय से दोस्त ही थे, दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन उसे शादी के लिए कह दिया, वो मान भी गई और मैंने उसके घर वालों से बात कर ली और अब देख, हमारी शादी होने वाली है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुणाल वहाँ से चला जाता है। माँ, कुणाल की शादी में चलना है। हाँ, मुझे लग ही रहा था उसकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। क्यों माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा था? अरे इतनी अच्छी नौकरी उसे शहर में मिल गई है, बहुत कमाता होगा, ऐसे लड़के से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों तो पहले से ही दोस्त थे, कुणाल उसे पसंद करता था। बेटा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुझे जल्द से जल्द सद्बुद्धि आए। चल, अब मैं जाती हूँ, मुझे काम है। माँ भी ना कैसी कैसी बातें करती रहती है। धीरे धीरे अनमोल के सभी दोस्तों की नौकरी लग गई थी, सभी काम में व्यस्त हो गए थे, अब उसके साथ घूमने वाला कोई ना था, वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए वह एक नदी किनारे जाकर बैठने लगा। कुछ दिनों तक लगातार वह वहीं बैठा रहता। एक दिन अचानक एक लड़की जिसका नाम रिया था, वह अनमोल के पास आकर बैठती है। मैं यही पास में रहती हूँ, मेरा नाम रिया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ, सोची आकर बात कर लूँ। अच्छा, मेरा नाम अनमोल है, मैं भी यही पास ही में रहता हूँ, अकेला था इसलिए यही बैठने आ जाता हूँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। अनमोल रिया को पसंद करने लगता है। वह एक दिन रिया से शादी की बात कहता है। रिया, अब तो हम अच्छे से एक दूसरे को जान गए हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनमोल, तुम क्या काम करते हो? आज तक तुमने मुझे ये ही नहीं बताया। मैं किसी निकम्मे से शादी नहीं कर सकती, शादी कोई छोटी बात तो नहीं होती ना? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम माँ के साथ ना रहो तो क्या एक दिन भी खुद के पैसों से भोजन कर पाओगे? क्या तुम मुझे भी खिला पाओगे? रिया की बातें सुनकर अनमोल को बहुत दुख पहुंचता है।
अनमोल वहाँ से उठकर वापस घर आ जाता है। माँ सही कहती थी मुझे काम करने के लिए, अगर आप काम नहीं करते तो आपकी कोई इज्जत नहीं। रिया ने बात तो सही कही है, अगर माँ मुझे खाना ना दे तो मेरे पास खुद से कमाए इतने पैसे भी नहीं कि कुछ खा सकूं। रिया को क्या खिलाऊंगा? सारी बातें सोचकर अनमोल बहुत दुखी होता है। माँ आप सही थी, मैं ही गलत था, मैं आज से ही काम ढूंढना शुरू करता हूँ। अनमोल काम ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ हफ्तों बाद उसे काम मिल जाता है, वह काम करना शुरू कर देता है और अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथों में ला कर देता है। ये लो माँ, इन पैसों को रखो, इन पर पहला अधिकार आपका है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आखिर मेरी सुन ली, मेरा बेटा समझदार हो गया है। कुछ महीनों बाद अनमोल रिया से मिलता है। रिया तुम पूछती थी ना मैं कौन सा काम करता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ मैं कौन सा काम करता हूँ। अनमोल रिया को वहीं लेकर जाता है जहाँ वो काम करता है और सारी बातें समझाता है और वापस शादी करने की बात कहता है। चलो एक बार मेरे मम्मी पापा से बात कर लो। दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ ही महीनों में धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। अनमोल हर रोज समय से काम पर जाता था, साथ ही घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।